हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, ऑडियंस एंड गाइज, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट्स, यदि आप इस चैप्टर के क्वेश्चंस एंड आंसर्स पर अपनी स्ट्रॉन्ग ग्रिप बनाना चाहते हो तो प्लीज़ इस वीडियो को स्टार्टिंग टू एंडिंग वॉचफुली, इंटेंसिवली और कॉन्शियसली वॉच कीजिएगा। और यदि आपको तब लगे कि आपको ये क्वेश्चंस के आंसर्स प्रॉपरली समझ आ गए, कम्प्लीटली आपकी जो स्ट्रॉन्ग ग्रिप बन गई है, तो प्लीज़ इसको लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो स्टूडेंट्स, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब के साइड में जो बेल आइकन उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर रोज़ आने वाले नोटिफिकेशन बिल्कुल सही टाइम पर मिल जाए। तो स्टूडेंट, जैसे कि हमने प्री वीडियो में डिस्कस किया था, फोर्थ चैप्टर जो द रेड ट्रैप इसका टाइटल है और रिटन बाय सेल्मा लेगरलॉफ, तो उस टॉपिक पर जो हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट्स प्री वीडियो में, वहाँ हमने इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर एंड द राइटर पर डिस्कस किया था और उसका डिटेल्ड समरी पर डिस्कस किया था। लेकिन इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उसी फोर्थ चैप्टर के द रेड ट्रैप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स, यानी कि जो फाइनल पेपर में आने वाले हैं। स्टूडेंट्स, एक चीज़ आप माइंड में रखिएगा, इसको जहन में रखिएगा, नोटिस कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, कि जो भी मैं क्वेश्चंस आपको बताता हूँ उनके आंसर्स राइट डाउन करता हूँ, तो वो सभी के सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आपके जो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, तो मैं नहीं कहूँगा उन चीज़ों को, वो आपके टेक्स्चुअल बेस्ड होते हैं, यानी कि कंटेंट पर बेस्ड होते हैं, स्टोरी पर बेस्ड होते हैं। और जो एग्जामिनर होता है, जो फाइनल पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं, जो पेपर तैयार होता है, तो उसमें जो भी पूछा जाता है वो स्टोरी के ही अराउंड पूछा जाता है, यानी कि बियॉन्ड स्टोरी कुछ नहीं पूछ सकता जो एग्जामिनर होता है। और एक विशेष बात ये रहेगी कि देखिए, यदि आपको स्टोरी समझ आती है प्रॉपरली अच्छे से, तो फिर जो टेक्स्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जो आपके कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचा है जिसका आप आंसर नहीं दे सकते। हाँ, यदि वो क्वेश्चन देता है अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, तो आपको स्टोरी अंडरस्टैंड है ही, तो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड यानी कि आपने इस स्टोरी में क्या समझा, आपके क्या एक पर्सनल जो परसेप्शन आपका क्या है, आपको क्या लगता है स्टोरी को पढ़ने के बाद, क्या मैसेज है स्टोरी का, तो उस पर बेस्ड यदि कोई क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर भी आप स्टूडेंट्स इजीली दे सकते हो। क्योंकि ये तो ऑब्वियस थिंग है स्टूडेंट्स, यदि आपको स्टोरी कंप्लीटली अंडरस्टैंड हो गई है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि चाहे वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन दे या वो कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन देता है, टेक्स्चुअल बेस्ड क्वेश्चन देता है, किसी प्रकार का क्वेश्चन वो दे, तो आपको उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हो। लेकिन शर्त यह है कि आपको उस चैप्टर की स्टोरी अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। यदि आपको स्टोरी क्लियर नहीं है स्टूडेंट्स, तो फिर आप ना टेक्स्चुअल बेस्ड क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, ना ही आप अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी कि आप स्टोरी को ध्यान से सीखा करो। क्योंकि देखिएगा, मैं स्टोरी का जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो उसके मेन पॉइंट्स होते हैं, जो समरी होती है, वो आपके लिए लेकर आता हूँ, और उसको मैं सिर्फ आपको एक फोटो के रूप में ही नहीं देता हूँ, उसको मैं एक आपको वर्बली उसको मैं बोलकर आपको पढ़ाता हूँ, उसको समझाता हूँ, उसके हर एक जो वर्ड होता है, उसकी जो डिफ़िकल्टी होती है, जो भी उसका इट मींस कोई सिंबॉलिक उसके अंदर दिया गया है, सिंबल उसमें दिए गए हैं, तो हर चीज़ को मैं बहुत ईजी बनाता हूँ ताकि आपके स्ट्रॉन्ग ग्रिप उस पर बन सके। तो आपकी भी ड्यूटी बनती है स्टूडेंट्स कि आप एफर्ट्स लगाओ। खाली टीचर के एफर्ट्स से यदि स्कोर अच्छा होता है, तो फिर स्टूडेंट्स को पढ़ने की ज़रूरत ही क्या है। तो टीचर्स के जो एफर्ट्स होते हैं, वो उनको गाइड करने के लिए, उनको रास्ता दिखाने के लिए होते हैं, और आपके एफर्ट्स आपके फाइनल पेपर में आपका अच्छा स्कोर करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, स्टोरी में आपको जो पढ़ा रहा हूँ, स्टोरी आपको समझ आनी चाहिए। ये जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ राइट डाउन किए हैं, हर एक क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो स्टूडेंट्स, यदि आपने इस स्टोरी को ध्यान से सीखा है। ओके, तो अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपका। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये दिन के आंसर्स आपको लगे कि समझ नहीं आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप, मैं आपको फिर से इस चीज़ के लिए रिकमेंड करूंगा कि इसकी स्टोरी को आप दोबारा फिर से पढ़िएगा ध्यान से, जो मैंने आपको प्री वीडियो में दी है। तो देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग अ रेड ट्रैप, यानी कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि पेडलर को, फेरी वाले को, ये विचार कहाँ से आया, उसके दिमाग में विचार कहाँ से आया कि जो संसार है ये एक चूहेदानी है। अब आप मुझे एक ऑनेस्टली ये चीज़ बताइए स्टूडेंट्स, क्या ये मैंने आपको जो स्टोरी डिटेल्ड समरी मैंने पढ़ाई इस चैप्टर की, क्या उसमें मैंने ये नहीं बताया था आपको कि ये विचार कहाँ से आता है? जब वो अलोंग द रोड चल रहा है, तो वो अपनी लाइफ से बिल्कुल खुश नहीं है, तो उसके माइंड में ये आता है कि सारा जो संसार है वो काफ़ी पॉवर्टी में है, काफ़ी मिजरेबल उसकी लाइफ है, तो उसके माइंड में यही चीज़ आती है कि सारा संसार एक रेड ट्रैप के समान ही है। तो मैंने आपको पढ़ाया है, इसका आंसर देखिएगा, द मेड हिज लिविंग बाई सेलिंग रेड ट्रैप्स, यानी कि इसमें क्या लिखा गया है कि जो उसकी आजीविका थी स्टूडेंट, जो वो अपनी आजीविका कमाता है बाई सेलिंग रेड ट्रैप्स, जो पेडलर है वो अपनी आजीविका कैसे कमाता है, चूहेदानियाँ बेचकर। बट ही डिड नॉट अर्न मच एंड ऑफन हैड टू रिमेन हंग्री, किंतु वो इतना भी नहीं कमा पाता स्टूडेंट्स कि वो अपना पेट भर सके, अपना गुजारा कर सके। बोथ एंड्स मीट का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था आपको स्टोरी में कि गुजारा चलाना, हैड टू रिमेन हंग्री, उसको भूखा रहना पड़ता था। वन डे ही वॉज स्ट्रक बाई एन आइडिया, यानी कि एक दिन उसके दिमाग में एक विचार आता है, ही थॉट, उसने सोचा, दैट कि द वर्ल्ड वॉज ऑल्सो लाइक अ रेड ट्रैप, ये संसार भी तो एक चूहेदानी ही है,
जैसे हम चूहेदानी में रैट ट्रैप में एक चूहे को फांसते हैं चारा डालकर, यानी कि बेट जो शब्द है BAIT उसका मतलब होता है चारा, और चूहे के लिए क्या चारा होता है फ्रेंड्स, ब्रेड के टुकड़े हो सकता है या फिर जो चपाती होती है उसके टुकड़े होते हैं। तो उसी प्रकार से इंसान के लिए भी इस वर्ल्ड में जो ऑफर करता है ये वर्ल्ड इंसान को, जो प्रलोभन देता है, जो लर्ड करता है, जो उसको टेम्प्टेड करता है, लालच देता है कि यानी कि फैसिलिटीज़ का, यानी कि लग्जरी लाइफ का जो उनको प्रलोभन देता है, जिससे इंसान जो उसमें फंस जाता है और उस लग्जरी लाइफ को वो बहुत जल्दी अडॉप्ट करना चाहता है विदाउट एफर्ट्स के, तो वो कोई गलत काम करता है और वो रैट रेट में फंस जाता है। तो ये बातें वो सोच रहा था। When देखिएगा इसमें a rat is caught in the rat trap, एक चूहा जो है चूहेदानी में फंस जाता है। When it is lured, lured means क्या होता है प्रलोभित, by the bait, जब उसको चारे का लालच दिया जाता है, उसको खाने का लालच दिया जाता है पिंजरे के अंदर, तो वो फंस जाता है। In the same way, इसी तरीके से the world exists, ये संसार जो उसका अस्तित्व है इसी तरीके का है, इसी प्रकार वो एग्जिस्ट करता है, इसी के बेस पर वो एग्जिस्ट करता है। Only to set baits, वो खाली चारा ही लोगों को पेश करता है, फॉर पीपल, लोगों के लिए संसार में क्या जगह है, लालच प्रलोभन। ओके द वर्ल्ड ऑफर, संसार जो पेश करता है इट्स रिचेज, यानी कि संसार अपने अंदर क्या लिए हुए हैं लोगों के लिए, वो क्या पेश करता है अमीरी, लोगों को लालच देता है कि वो अमीर बने। जॉयज खुशियों का लालच लोगों को होता है, शेल्टर आश्रय का, भोजन का एंड क्लोथिंग कपड़ों का। देखिएगा ये लालच जो है तब माने जाते हैं स्टूडेंट जब हम इनको शॉर्टकट वे से प्राप्त करना चाहते हैं। यदि हम अपनी लाइफ में हार्ड वर्क करते हैं, एफर्ट्स लगाते हैं उस टारगेट को अचीव करने के लिए, तो ये सारी चीज़ें हमको जो मिलती हैं वो हमारी मेहनत के बलबूते पर मिलती हैं। यदि हम इनको शॉर्टकट वे से प्राप्त करना चाहते हैं तो फिर ये हमारे लिए एक बेट होता है, चारा होता है, और जो हमको फंसाने का काम करता है। टू मैन जस्ट टू ट्रैप हिम, और वो क्या है किस लिए होता है वो सब, ये क्लोथिंग के सारी चीज़ें किस लिए हैं, इंसान को फंसाने के लिए, ट्रैप जाल में डालने के लिए। ओके समझ आया सभी को, गुड स्टूडेंट्स। देखिए सेकंड क्वेश्चन, Why does he amused by this idea? यानी कि पेडलर को इस विचार से इतनी खुशी क्यों होती है। One day, एक दिन an idea came to the mind, एक दिन उस पेडलर के माइंड में एक विचार आता है, जो वो सेलर है यानी कि जो बेचने वाला है, that the whole world was a rat trap, ये सारा संसार तो एक चूहेदानी था। He was amused by this idea, वो इस विचार से बड़ा खुश हो जाता है, यानी कि जैसे वो अलाउ तोड़ चल रहा है तो उसके विचार में आता है एक दिन कि ये संसार तो सारा चूहेदानी है, और ये विचार दिमाग में आते ही वो ऑटोमेटिकली खुश हो जाता है इस बात को लेकर। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, डिड द पेडलर एक्सपेक्ट द काइंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी, क्या फेरी वाले ने इस प्रकार के आतिथ्य सत्कार की, हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है स्टूडेंट से जो सम्मान देना है, आतिथ्य सत्कार जो होता है, क्या पेडलर को ये उम्मीद थी कि उसको इस प्रकार का आतिथ्य सत्कार मिलेगा, दैट ही रिसीव्ड फ्रॉम द क्राफ्टर, जो उसने छोटे किसान के घर से मिला था, क्या उसको ऐसी उम्मीद थी, बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि वो जहाँ भी जाता था वहीं से यानी कि सार फेसेस उसको मिलते थे, यानी कि लोग रिंकल्ड फेस के साथ मिलते थे, काफ़ी गुस्से के साथ उससे बात करते थे, उसको भगा देते थे वहाँ से चेस सवे, क्योंकि वो जो उसको शेल्टर देता था ना, जो उसको फूड देता था वहीं वो चोरी करता था, इसलिए लोग उसका रिस्पेक्ट नहीं करते थे, उसको भगा देते थे। तो देखिए ये क्वेश्चन का आंसर भी आपने स्टोरी में पढ़ा है, फिर भी मैं बता देता हूँ यहाँ आपको। नो ही डिड नॉट एक्सपेक्ट द काइंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी, इस प्रकार की जो रिस्पेक्ट मिलने की उस पेडलर को कोई उम्मीद नहीं थी, दैट ही रिसीव्ड फ्रॉम द क्राफ्टर, जो उसने छोटे किसान के घर से जो रिस्पेक्ट मिली उसकी उसको कोई आशा नहीं थी। ही ओनली एक्सपेक्टेड सार फेसिस, देखिए इसको सोर कुछ नहीं बोलते स्टूडेंट्स, ये सोर कहना बिल्कुल गलत है, एक्सेंट ही नहीं होता सोर इसका, ये सार होता है, यानी इसका मतलब खट्टा भी होता है, रूखापन, उदासीनता होती है, डल फेस इसको बोल सकते हो। तो उसको आशा थी कि जो उनके चेहरे मिलेंगे, यानी कि जिसका उसने दरवाज़ा खटखटाया उस किसान का, उसको लगा कि जो फैमिली वहाँ होगी उन सब के फेस कैसे होंगे, काफ़ी रूखे, काफ़ी उदासीन फेस होंगे, ग्रीटिंग ही, उसका स्वागत करने के लिए वो कैसे होंगे, काफ़ी गुस्से में होंगे, काफ़ी उदासीन होंगे। When he knocked at the door, जब उसने दरवाज़ा खटखटाया to ask, पूछने के लिए, for shelter, आश्रय, for the night, रात्रि के लिए, but the old crofter was happy to get someone, किंतु जो वो बूढ़ा छोटा किसान था वो बड़ा खुश हो गया था, to get पाकर, someone, किसी को, to talk, बातें करने के लिए, in his loneliness, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ जैसा उसने सोचा था पेडलर ने, और पेडलर ने जो सोचा था उसके अगेंस्ट हुआ, पेडलर ने ये सोचा था कि उसका रिस्पेक्ट नहीं होगा, उसको भगा दिया जाएगा, लेकिन वहाँ उसका रिस्पेक्ट हुआ, सम्मान हुआ, क्यों, क्योंकि वहाँ जो क्रॉफ्टर रहता था, किसान रहता था, वो अकेला था बिल्कुल, उसके साथ ना उसकी वाइफ थी ना बच्चे थे, तो ऐसी सिचुएशन में उसने किसी को पाया बातें करने के लिए तो बड़ा खुश हो गया। ही फेड द पेडलर, उसने जो पेडलर था उसको खिलाया, फीड का सेकेंड फॉर्म स्टूडेंट्स फेड, एंड प्लेड, और उसके साथ वो खेला क्या, कार्ड्स, ताश के पत्ते, वो खेला विद हिम अंटिल बेड टाइम, जब तक सोने का समय नहीं होगा तब तक अपना टाइम पास करते रहे, खेलते रहे, बातचीत करते रहे। ओके स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है स्टूडेंट्स, CBSE बोर्ड में खासतौर पर ये बहुत ही इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, और ये टॉपिक आपको ध्यान से सीखना है, काफ़ी लेंथी टॉपिक भी है, इसमें वोकैबुलरी काफ़ी डिफिकल्ट है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फाइनल पेपर में क्वेश्चंस इसका डेफिनेटली आएगा।
अभी देखिएगा फोर्थ क्वेश्चन, वाई डिड ही शो द 30 crore टू द पेडलर, यानी कि जो छोटा किसान था स्टूडेंट्स, उसने पेडलर को वो 30 crore क्यों दिखाए, ऐसी क्या वजह थी उसको वो पैसे दिखाने पड़े। इसमें आंसर देखिएगा, द ओल्ड क्राफ्टर, यानी कि जो वो बूढ़ा किसान था, टोल्ड द पेडलर, उसने पेडलर को बताया दैट कि ही अर्नड हिज लिविंग, वो अपनी आजीविका कमाता था बाई सेलिंग हिज काउज मिल्क, अपनी गाय का दूध बेचकर। देन ही वेंट टू द विंडो, तब वो विंडो के पास चला गया, जब उसने कहा उस छोटे किसान ने कि भाई मैं अपनी जो गाय है मेरी इसका दूध बेचकर मैं अपनी आजीविका कमाता हूँ, तो उस पेडलर को यकीन नहीं हुआ कि गाय का दूध बेचकर वो एक महीने में 30 crore कैसे कमा सकता है, तो उसको विश्वास दिलाने के लिए ही वो पैसे उसने दिखाए थे। देन ही वेंट टू द विंडो, तब वह विंडो के पास गया, कौन, ओल्ड क्राफ्टर, एंड टुक डाउन अ लेदर पाउच, और वहाँ से वो लेदर का जो पाउच था जिसमें उसके पैसे थे हैंगिंग जो लटक रहे थे ऑन अ नेल, यानी कि विंडो फ्रेम में नेल थी, नेल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, एक कील लगी हुई थी, उस कील में वो लेदर पाउच था, उसके अंदर वो 30 crore पैसे उसके थे। ये जो क्रोनर मैं बार बार बोलता हूँ स्टूडेंट्स, ये करेंसी है, जैसे इंडियन करेंसी क्या है रूपी, तो इस प्रकार से स्वीडिश करेंसी क्या है वो क्रोनर है। ही टुक आउट 3 10 crore notes टू हिम, और उसने निकाल कर उसके सामने रखे क्या स्टूडेंट्स, 3 10 यानी कि 3 10 10 के जो क्रोनर थे वो उसने उसके सामने रखे। ही वॉन्टेड टू शो द पेडल, वो दिखाना चाहता था, बताना चाहता था पेडल को दैट कि अल्दो ही वॉज ओल्ड एंड लॉन्गली, चाहे वो बूढ़ा ही क्यों ना हो, वो अकेला ही क्यों ना हो, ही वॉज नॉट विदाउट एनी मीन्स ऑफ इनकम, मीन्स होता है साधन, लेकिन वो जो इनकम का साधन उसके पास था, ऐसा नहीं कि वो बूढ़ा है अकेला है तो उसके पास कोई इनकम का साधन नहीं है, उसके पास इनकम का साधन है, वो बगैर इनकम के साधन के वो नहीं है, वो ये चीज़ उसको बताना चाहता था। ही हैड ए स्मॉल इनकम, यानी कि उसके पास जो आय का जो साधन था वो हालांकि छोटा था, इतनी बड़ी उसकी इनकम नहीं थी, गाय के दूध को बेचकर भी अपना जो है गुजारा चला रहा था, लेकिन फिर भी उसके पास इनकम का सोर्स था, ऐसा नहीं है कि वो इनकम के सोर्स के बगैर था। विच ही कुड मेक बोथ एंड्स मीट, देखिए बोथ एंड्स मीट एक फ्रेज स्टूडेंट्स, इसका मतलब है जिससे वो अपना गुजारा चला सकता था, यानी कि इस इनकम के साधन से वो अपना गुजारा चला सकता था, अपना लाइफ को सर्वाइव कर सकता था। अभी देखिएगा फिफ्थ क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, व्हाट मेड द पेडलर थिंक दैट ही हैड इंडीड फॉलन इनटू अ रेड ट्रैप, यानी कि ऐसी क्या सिचुएशन थी कि पेडलर को ये सोचना पड़ा दैट कि ही हैड इंडीड फॉलन इनटू अ रेड ट्रैप, कि वो सचमुच एक बड़ी चूहेदाने में फंस गया है, ऐसा सोचने पर व्यवस्थ क्यों, ऐसे क्या उसके साथ सिचुएशन घटित हुई थी स्टूडेंट्स। देखिएगा मेड जो है ये पॉजिटिव वर्ब होता है स्टूडेंट, जहाँ इसका प्रयोग होता है वहाँ फोर्स किया जाता है, यानी कि फोर्स समवन टू डू समथिंग, तो ऐसी क्या चीज़ थी कि वो सोचने पर मजबूर हो गया, फोर्स हो गया, दबाव उस पर हो गया कि भाई वो एक जो चूहेदानी में सचमुच में फंस गया है, ऐसा उसने क्यों सोचा। आंसर देखिएगा, द पेडलर स्टॉल द ओल्ड क्राफ्टर्स मनी, पेडलर ने चुराया था पैसा किसका, उस बूढ़े किसान का, इन ऑर्डर टू अवॉइड बींग कॉट, यानी कि अपने आप को गिरफ्तार किए जाने के विचार को वो अवॉइड करना चाहता था, उसके दिमाग में जो विचार आया कि कहीं उसको गिरफ्तार न किया जाए, तो वो उस विचार को छोड़ना चाहता है, उसको अवॉइड कर रहा है। He did not walk along the main road. अब वो नहीं चल सकता मेन रोड, यानी कि जो पब्लिक हाईवे था वहाँ पर वो नहीं चल सकता, क्योंकि वो कम्फर्ट फील नहीं कर रहा, क्योंकि उसने चोरी की है। ही एंटर्ड अ फॉरेस्ट, उसने जंगल में प्रवेश किया, यानी कि जो वो पब्लिक हाईवे था उसको छोड़ दिया और जो फॉरेस्ट का वे था वहाँ पर वो चल पड़ा, हालांकि वो फॉरेस्ट के रास्ते को जानता नहीं था, लेकिन उसने चोरी किया था इसलिए वो एक हेजिटेट हो रहा था, अनकम्फर्ट फील कर रहा था, इसलिए उसने फॉरेस्ट का रास्ता चुना। बट ही लॉस्ट द वे, किंतु वो रास्ता भूल गया। इन द मेन टाइम, इसी बीच में द नाइट फेल, यानी कि रात्रि भी हो गई, एंड इट वॉज वेरी कोल्ड, और बहुत ठंड पड़ने लगी। ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, वो जमीन पर बैठ गया। नाउ ही थॉट, अब उसने सोचा दैट कि द वर्ल्ड वॉज इंडिड अ रैट ट्रैप, कि संसार तो सचमुच में एक चूहेदानी है। द मनी वॉज ओनली अ बेट, पैसा तो एक चारा था, टू कैच हिम, उसको यानी कि पिंजरे में डालने का, उसको पकड़ने का, उसको एक प्रकार से प्रॉब्लम में फंसाने का, एक प्रकार से वो क्या था, चारा था। तो स्टूडेंट्स में काफ़ी सिंबल यूज किए गए हैं, देखिए ये जो रेड ट्रैप है किसका सिंबल है, वर्ल्ड का सिंबल है, संसार का सिंबल है, और जो बेट है किसका सिंबल है, ये संसार में जो लग्जरियस लाइफ स्पेंड करते हैं लोग, जो फैसिलिटी होती है उनका सिंबल है। तो ये चारा किसका सिंबल है यहाँ पर स्टूडेंट्स, ये सिम्बोलिज्म इसमें दिखाए गए काफ़ी जगह, तो ये सिंबल किसका है, एक वर्ल्ड की फैसिलिटीज़ का, और ये जो सिंबल किस चीज़ का स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने बताया रेड ट्रैप, ये वर्ल्ड का सिंबल है, तो इसको आपको ध्यान से सीखना है, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। देखिए सिक्स क्वेश्चन, Why did the Iron Master speak kindly? यानी कि जो Iron Master है स्टूडेंट्स, वो इतना दयालुता से क्यों बात किया उसने, एंड invite him home, उसने पेडलर को इतनी दयालुता से उससे बात की, उसको invite किया, ऐसी क्या वजह थी, जबकि सारा जो संसार है वो उसको यानी कि एक तिरस्कार देता है, उसको भगा देता है,
और इसके अगेंस्ट जो आयरन मास्टर उसने उसका इतना रिस्पेक्ट किया, मैंने स्टोरी में आपको बताया था, उसको उसका अपना जो ओल्ड अक्वेंटेंस था, जो पुराना उसका दोस्त था, उसका उसको कन्फ्यूजन हो गया था, मिस्टेक हो गया था, यानी कि उसने गलती से समझ लिया कि मेरा दोस्त है कौन, नील्स ओलाफ कैप्टन, उसने उसको समझ लिया था, इसलिए उसने इसको इनवाइट किया। व्हेन द आयरन मास्टर सॉ द पेडल, जब आयरन मास्टर ने देखा पेडल को, ही थॉट, उसने सोचा दैट कि ही वॉज वन ऑफ हिज ओल्ड फ्रेंड्स, कि वह उसके पुराने दोस्तों में से कोई एक दोस्त था। ही मिस्टक, उससे मिस्टेक हो गई थी, उसने गलती से उसको समझ लिया था, फॉर ए कैप्टन, उसको समझ लिया था, उसका कैप्टन दोस्त, उसको लगा कि मेरा ये कैप्टन दोस्त है। द आयरन मास्टर वॉज एन ओल्ड मैन, जो आयरन मास्टर था वो एक बूढ़ा आदमी था। देर वॉज नो वन एट हिज होम, उसके घर पर भी कोई नहीं था, एक्सेप्ट हिज एल्डेस्ट डॉटर, उसकी एक पुत्री थी, उसके सिवाय उसके पास कोई नहीं था, यानी कि वो था और उसकी डॉटर थी। इट वॉज टू बैड, यानी कि ये बहुत बुरी बात थी, दैट कि ही डिड नॉट हैव कंपनी फॉर द क्रिसमस नाइट, कि क्रिसमस नाइट को सेलिब्रेट करने के लिए, क्रिसमस ईव को सेलिब्रेट करने के लिए उनके पास कोई कंपनी देने वाला नहीं था, कोई रिलेटिव नहीं था, कोई दोस्त नहीं था, ये बहुत बुरी बात उसको लग रही थी। सो ही स्पोक, इसीलिए ही स्पोक, वो बोला काइंडली, काफ़ी दयालुता से टू हिम, उससे, एंड इन्वाइटेड हिम, उसको इन्वाइट किया घर के लिए, उसने उसको इन्वाइट किया। अभी देखिएगा स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करने वाले हैं सेवन्थ क्वेश्चन पर, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। Why did the peddler decline the invitation? यानी कि peddler ने invitation को क्यों decline किया, क्यों अस्वीकार किया? अब इस question का मैंने answer नहीं दिया students, क्योंकि जितने भी question मैंने अभी पढ़ाए वो सभी के सभी textual based हैं, और आपकी understanding based question भी पूछा जाए तब भी आपको कोई problem नहीं हो सकती, क्योंकि सारी story आपको समझानी चाहिए और content based question है। ये तो obvious thing है students कि question जो भी पूछा जाएगा वो content के base पर ही पूछा जाएगा, यानी कि beyond story तो पूछेगा नहीं, आपके अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड हो सकता है या पर कंटेंट पर बेस्ड हो सकता है, राइट? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको खुद देना है, ये बहुत इजी है। इसमें क्या पूछा गया है कि भाई पेडलर ने उसका जो आयरन मास्टर था उसका इनविटेशन क्यों ठुकरा दिया, स्टोरी मैंने आपको पढ़ाया है, यदि स्टोरी आपने ध्यान से नहीं पढ़ी है तो प्लीज़ उसको दोबारा से पढ़िएगा, और इसका क्वेश्चन का आंसर आप खुद दीजिएगा। यदि हर क्वेश्चन का आंसर मैं ही लिखता जाऊँगा स्टूडेंट्स, तो आपकी जो क्रिएटिविटी ऑफ माइंड है वो डल हो जाएगी, वो डाउन चली जाएगी, और आप फाइनल पेपर में भी वही क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो जो आपने याद किया है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन का आंसर आप नहीं दे पाओगे। इसलिए आपको ये अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेस पर इस क्वेश्चन का आंसर देना है, समझना है कि स्टोरी में क्या कहा गया है। और हिंदी में आपको बता देता हूँ, बहुत ईजी है ये, यानी कि पेडल ने इसलिए अस्वीकार किया था स्टूडेंट्स क्योंकि उसको डर था, उसने पहले चोरी कर रखी थी कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊँ, वो नहीं चाहता था कि मैं किसी फ्रेश ट्रबल में फंस जाऊँ, ओके, इसी वजह से उसने मना कर दिया था। एट्थ क्वेश्चन, व्हाट मेड द पेडलर एक्सेप्ट एडला विल मेंशंस इनविटेशन, लेकिन पेडलर ने एडला विल मेंशंस का इनविटेशन क्यों स्वीकार किया? जब उसने उसके फादर का इनविटेशन अस्वीकार कर दिया तो उसकी डॉटर का इनविटेशन क्यों स्वीकार किया? यानी कि फादर के कहने में और डॉटर के कहने में उसी सेंटेंस को, उन्हीं बातों को, काफ़ी डिफरेंस था दोनों में, यानी कि वो लड़की के फेस पर एक इनोसेंस का भाव था स्टूडेंट्स, यानी कि एक मासूमियत का भाव था, तो वो उसको बड़ा अच्छा लगा और उसकी बातों में उसको काफ़ी ऑनेस्टी दिखाई दी, काफ़ी ट्रूथनेस दिखाई दी, तो उसको लगा कि मुझे जाना चाहिए, उसने काफ़ी रिक्वेस्ट भी की थी, तो फिर वो मना नहीं कर सका, इसलिए उसको जाना पड़ा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको खुद देना, राइट? नाइन क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, व्हाट डाउट्स डिड एडला हैव अबाउट द पेडलर, यानी कि एडला को पेडलर के बारे में, फेरी वाले के बारे में क्या डाउट्स थे, उसके दिमाग में क्या डाउट आ रहे थे? व्हेन एडला सॉ, जब एडला ने देखा द पेडलर एंड हिज शैबी, शैबी का मतलब होता है स्टूडेंट्स एक दरिद्रता कंडीशन, जब उसने देखा उसकी दरिद्र कंडीशन को, काफ़ी यानी कि गरीबी की उसकी हालत को देखा, फटे पुराने कपड़े पहने हुए था, रैग्स पहने हुए था, सी हैड हर ऑन डाउट्स, तो उसको डाउट होना शुरू हो गया अबाउट हिम, उसके बारे में, सी थोड़ा उसने सोचा दैट कि परहैप्स ही हैड स्टोलन समथिंग, कि शायद या तो उसने कोई चोरी की है, यानी कि वो काफ़ी संकोच कर रहा था उनकी बातों को समझने का और उनके पास वहाँ घर पर जाने का, तो उसको लगा कि ऐसा लग रहा है कि ये कोई, इसने कोई चोरी की है। इट वॉज पॉसिबल, ये भी पॉसिबल था दैट कि ही हैड एस्केप्ड फ्रॉम प्रिजन, कि वो जेल से भाग निकला हो, एस्केप का मतलब क्या होता है, भाग जाना। ही डिड नॉट लुक लाइक एन एजुकेटेड मैन, वो किसी भी तरीके से कोई पढ़ा लिखा इंसान नहीं लगता था, यानी कि उसकी बातों से लग नहीं रहा था कि वो पढ़ा लिखा इंसान है, और उसकी एक्टिविटीज से, फेस एक्सप्रेशन से लग रहा था कि जैसे या तो वो जेल से भागा या इसने चोरी किया है। तो इन्हीं बातों की वजह से एडला को डाउट होना शुरू हो गया कि भाई लगता तो नहीं मुझे कि ये उसके फादर का जो है फ्रेंड हो सकता है, वो भी कैप्टन। दैट इज वाई, यही कारण है, सी हैड डाउट्स, उसको डाउट हुए अबाउट द पेडल, पेडल के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल, देखिएगा 10th क्वेश्चन, Why did Edla still welcome the peddler? Edla ने फिर भी स्वागत क्यों किया उस peddler का? Even after seeing him, जबकि वह जान चुकी थी, उसको पता लग गया था the truth about him, उसकी सच्चाई को जानने के बाद भी Edla ने उसका welcome क्यों किया? क्योंकि ये उसकी एक गुड क्वालिटी थी। स्टूडेंट्स, इसका क्वेश्चन का आंसर भी आपको खुद देना है।
स्टोरी में इसे पढ़कर, ये सभी स्टोरी पर बेस्ड है, बहुत इजी आंसर रहेगा। हिंदी में आपको बता देता हूँ इसकी, यानी कि उसने जानते हुए भी उसका रिस्पेक्ट क्यों किया, क्योंकि देखिएगा उन्होंने उसको प्रॉमिस किया था, उसका वेलकम किया था, उसे आग्रह किया था और क्रिसमस की जो खुशी उसमें शामिल होने के लिए रिक्वेस्ट की थी और एक गेस्ट के रूप में उसको स्वीकार किया था। तब उसकी सच्चाई जानने के बाद भी वो लड़की ये चाहती है कि ये हर साल ये घूमता है, हर रोज़ ये घूमता है और हर रोज़ इसका तिरस्कार होता है, तो एक दिन ये हमारे साथ ये क्रिसमस के फेस्टिवल पर एक पीसनेस के साथ, खुशी के साथ, शांति के साथ रिलैक्स होकर बिता लेगा तो हमारा क्या चला जाएगा, तो एक पुण्य का काम होगा। इसलिए वो उस पर काफ़ी जो है सिंपैथी दिखाती है और वो उसकी सच्चाई को जानते हुए उसको एक्सेप्ट कर लेती है, वहाँ उसको रहने देती है। 11th क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, व्हाई वाज एडला हैप्पी टू सी द गिफ्ट लेफ्ट बाय द पेडलर, पेडलर के द्वारा छोड़े गए गिफ्ट को पाकर जो है देखकर जो एडला थी वो इतनी खुश क्यों हो गई थी, इसका क्या कारण था बताइएगा स्टूडेंट्स, इसका आंसर हम देखते हैं। अल्दो हालांकि द पेडलर्स आइडेंटिटी, पेडलर की पहचान हैड बीन रिवील्ड, यानी कि उजागर हो गई थी, वो एक्सपोज हो गया था कि ये पेडल एक्चुअल में कौन है। एडला हैड इंसिस्टेड, एडला ने आग्रह किया था दैट कि ही शुड स्टे देम, कि उसे उनके साथ रहना चाहिए, फॉर द नाइट, एक रात के लिए। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली प्रातः एट द चर्च में सी केम टू नो, उनको पता चल गया था दैट कि द पेडलर हैड रॉब्ड, कि पेडलर ने लूटा था एन ओल्ड मैन, एक बूढ़े व्यक्ति को। हर फादर वॉज श्योर, उसका पिताजी श्योर था दैट कि इन देयर अब्सेंस, उनकी अनुपस्थिति में ही माइट हैव स्टोलन देयर सिल्वर स्पून, उसने जो आवारागर्द था उसने क्या किया होगा, क्योंकि चांदी के चमचे सब चुरा ली होंगे, ऐसा उसको लग रहा था उसके फादर को। बट वैन दे केम बैक एडला फाउंड, बट किंतु वैन जब दे केम बैक, वो वापस आए, एडला फाउंड, एडला ने पाया दैट की द पेडलर हैड नॉट टेकन एनीथिंग अवे, कि पेडलर अपने साथ कुछ नहीं लेकर गया था। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, ही हैड लेफ्ट रेड ट्रैप, उसने एक चूहेदानी को छोड़ा था वहाँ पर एज ए गिफ्ट फॉर हर, उसके लिए गिफ्ट के रूप में चूहेदानी वहाँ पर उसने छोड़ दी थी। देखिए फादर को डाउट था कि वही कहीं कुछ जो सिल्वर स्पून थी वो चुरा कर नहीं ले गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जब उसने वल्ली से पूछा, वी ए एल ई टी टी साइलेंट होता है, वल्ले मतलब क्या था, नौकर से पूछा, तो नौकर ने बताया कि नहीं वो कुछ नहीं लेकर गया, बल्कि यहाँ पर एक पैकेज छोड़ के गया है और जिसमें एक चूहेदानी थी और एक लेटर था और 30 करोड़, उसमें मैंने आपको स्टोरी पढ़ा था। ओके, तो ही हैड ऑल्सो द 30 क्रोनर्स, यानी कि उसमें 30 क्रोनर भी थे दैट ही हैड स्टोलन फ्रॉम द ओल्ड क्राफ्टर, जो उसने बूढ़े किसान के पैसे चुराए थे, वो पैसे भी उस पैकेज में थे, एक चूहेदानी भी उसमें थी और लेटर भी लिखा था। उस लेटर में उसने उस लड़की की बहुत प्रेज की थी, जो उसने उसके प्रति इतना नाइस बिहेव किया था, तो ये चीज़ें सुनकर वो काफ़ी खुश हो जाती है। तो देखिएगा इसका एक छोटा सा सेंटेंस बचा हुआ है, इन हिज लेटर, अपने लेटर में द पेडलर हैड प्रेज, पेडलर ने प्रेज की थी, तारीफ की थी एडला की, एंड हर हॉस्पिटैलिटी, और उसके नाइस व्यवहार की, बहुत अच्छे व्यवहार की। सो एडला वॉज हैप्पी, इसलिए एडला बहुत खुश हो गई थी, टू सी देख कर द गिफ्ट लेफ्ट बाय हिम, उसके द्वारा छोड़ा गया गिफ्ट देखकर वो बड़ी खुश हो गई थी। गिफ्ट के साथ साथ उसने जो एडला की रिस्पेक्ट उसमें पे की थी, उसको प्रेज किया था, उसने जो उसके साथ अच्छा व्यवहार किया था तो उसके लिए उसने का धन्यवाद किया था। तो ये सारी बातें पाकर, और उसने अपनी गलती जो थी, अपनी जो चोरियाँ जो थी वो एक्सेप्ट कर ली थी, तो ये सबसे बड़ी बात थी, तो बड़ी खुश हो जाती इस बात को पाकर। तो स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू हैव गॉट इट प्रॉपरली, फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज राइट समथिंग इन कमेंट बॉक्स एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व प्रॉब्लम दैट टाइम। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका 4th चैप्टर कंप्लीट हो गया है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, कीप स्टडिंग, कीप एंजॉइंग, बाय गाइस एंड बेस्ट ऑफ लक। और स्टूडेंट्स, कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स से मुझे पता लगेगा कि आपको कहाँ डाउट है। ओके, थैंक यू वेरी मच।